घपलाबाजियों ने। रही बात वार्ड की बात को, तो इस वार्ड में कोई भी डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। जब से ये वार्ड नंबर 4 के पार्षद बने हैं तब से कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। अच्छा, एक बात बता, ये नए नए प्रत्याशी जो है वोट मांगने के लिए तो आते नहीं? अभी कोई प्रत्याशी है ही नहीं, किसी को जनता को पता नहीं है कौन प्रत्याशी है। ये बता दीजिए, जो करेगा वो रहेगा, जो नहीं करेगा नहीं रहेगा। बदलाव होगा, बदलाव होगा, बनिया पे होगा। हमको तो कुछ जाता ही नहीं है कि विकास का नाम है, क्या काम करता है कोई पता नहीं। एक ही खारू लगाता है, उसके अलावा कोई काम नहीं। टूटी पड़ी सड़क, जल जमाव और ऊपर से कचरे का अंबार। वार्ड परिक्रमा के दौरान जब मिथिला लाइव की टीम वार्ड नंबर 4 में पहुंची, कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। निवर्तमान वार्ड पार्षद के किए गए विकास कार्यों से जनता कितना संतुष्ट है, यह तो आप खुद ही सुनिए और तय कीजिए। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि यहाँ की जनता दूसरे प्रत्याशियों को तलाश कर रही है, लेकिन कोई नजर तक नहीं आ रहा है। ये बताइए, 5 साल में अब तक क्या विकास हुआ है इस वार्ड में? पहले के होता है, अभी के नहीं है। पाँच साल के अंतराल में अभी तक कोई विकास उसके तरफ से नहीं हुआ इधर। हम लोग बार बार बोलते रहे हैं कि नाला का थोड़ा सा तो बना दिया जाए, कह कह के हम लोग कम से 50 बोले, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया गया। इसमें चुनाव 16 तारीख से नॉमिनेशन भी आ गया है, अब क्या माहौल है चुनाव का? बदलने का चुनौती है, बदलाव होगा। कि आपके वार्ड में क्या क्या विकास हुआ है? हमको तो कुछ जाता ही नहीं है कि विकास का नाम है, क्या काम करता है कोई पता नहीं। एक ही खारू लगाता है, बस उसके अलावा कोई काम नहीं। अच्छा, ये बताइए, नल जल का योजना इस वार्ड में है? हमको पसंद नहीं, हमको पसंद नहीं है। नहीं, किसी को भी पसंद है, किसी को नहीं, कोई नहीं बोलेगा पसंद। नहीं, किसी को नहीं, पूरा क्षति हो गया पूरा। मतलब नल जल वाला जो योजना है वो फेल है, अच्छा इतना पैसा में ये काम कर रहा है ना, उतना में घर घर एक कल चापा कल हो जाएगा। ये अफसर बोलते हैं, यहाँ का अफसर जो है दरभंगा का अफसर, ये बोलते हैं कि यहाँ घर घर चापाकल होता है। और रही बात वार्ड की बात को, तो इस वार्ड में कोई भी डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। जब से ये वार्ड नंबर 4 के पार्षद बने हैं तब से कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, नए नए प्रत्याशी जो है वोट मांगने के लिए तो आते नहीं? अभी कोई प्रत्याशी है ही नहीं, किसी को जनता को पता नहीं है कौन प्रत्याशी है। अभी तक वार्ड नंबर 4 में कोई प्रत्याशी कौन है नहीं है, किसी पब्लिक को पता ही नहीं। मतलब विकास का नाम पे विकास कुछ हुआ ही नहीं है वार्ड नंबर 4 में। कहीं आप विकास दिखा दीजिए, कहीं भी आप दिखाइए विकास, क्या हो रहा है विकास? 4 को घर में नल लगा दिए, क्या विकास हो गई? अच्छा, नाला का जो है समय पे सफाई होता है क्या? आप देखिए ना, ये नाला है, देखिए आपको लग रहा है कभी इसका स्लैब भी उठा है? कभी देखिए आप, स्लैब भी उठा है? स्लैब भी नहीं उठा, कभी स्लैब भी नहीं उठा, तो नाला सफाई तो दूर की बात है। कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है वार्ड नंबर 4 में। अच्छा, कचरा डोर टू डोर उठता है? कचरा वाला क्या आता है गाड़ी लेकर के आता है, जो दिया दिया, ना दिया तो फिर फेंकाता है समाज, ये सामाजिक स्थल पे। सुबह 7 बजे बहुत ऐसे व्यक्ति है जो 7 बजे नहीं उठते हैं, 6 बजे नहीं उठते हैं। अच्छा, फेंक देता है सामाजिक स्थल, क्या करेगा? तो आदमी जाएगा कहाँ? कुछ डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। आप एक भी डेवलप जी, ये कचरा कौन फेंक रहा है यहाँ पे? स्थानीय लोग फेंकता है, इसका जगह कहीं पर नहीं है, इसीलिए म्युनिसिपैलिटी की तरफ से नहीं फेंकता। अच्छा, ये आम जनता ला करके फेंक जाता है, लेकिन और सब एक एक बना है बहुत पुराना, यही सब उसका निकासी नहीं दिया, अभी तक नहीं बना है, अभी तक नहीं बात है। हम लोग इसको कोई देखने वाला नहीं, कर्मचारी जो है जो भी है इसका कर्मचारी जो पास करते हैं, लेकिन एक एक काम जो है ढांचा बना दिए, इसका निकासी कहीं नहीं। क्या कहना चाहते हैं आप? ये जो नाला बना है यहाँ से वहाँ तक देख रहे हैं जी, ये ये नाला ईंटा से जोड़ के बनाया गया है, ईंटा से जोड़ के बनाया है। ये बनाया है विवाह भवन में, जो दूसरा पार्टी बना है, ये रोड जो बना है दूसरे पार्टी बना है। कहाँ से पास हुआ, क्या हुआ, सब चीज़ पास है, लेकिन बनाया कोई और है। ये जो इसका जो पैसा लिया है, ये इसका ये पैसा उठाया है, वो काम नहीं किया है।
ये पर्सनल कौन कर, ये 4,44,400 रुपए की राशि है। इसमें पास, इसमें पास है, ये पास है, लेकिन ये आदमी यहाँ से ये काम उसमें नहीं किया, ये अंतर्गत नहीं हुआ, ये सामाजिक स्तर से हुआ। नहीं नहीं, यहाँ सामाजिक का दूसरा काम में हुआ, दूसरे दूसरे ठेकेदार किया, यहाँ तक इससे आगे जो है काम ही नहीं किया, इसके आगे में काम ही नहीं हुआ, इसका नाले का काम नहीं हुआ, रोड भी जो है पर्सनल नहीं है, नाला वही तक है उसके आगे नहीं, ये नाला जो है हम जमीन जो है हमारा हम लोग का नहीं है, बनवाए हुए हैं, पर्सनल नहीं है। जी भैया क्या नाम है? मेरा नाम राजेश। ये बताइए 5 साल में क्या सब विकास हुआ है आपके वार्ड में? देखिए पूरा एकदम रोड जर्जर है, बहुत बढ़िया बना हुआ है, देख रहे हैं ना, बहुत बढ़िया बना हुआ है, जर्जर भी है, नाली में नाली का सफाई होता है, सफाई होता है, इस बार छोड़िए ये विकास की बातें, अब चुनाव आ गया है, इस चुनाव में क्या मुद्दा है आप लोगों को और किन मुद्दों पे आप लोग वोट करने वाले हैं? मुद्दा ही नगर निगम में क्या रहता है, साफ सफाई रहता है और क्या रहता है, साफ सफाई हो बढ़िया हो यही ना रहता है और क्या रहता है, ये बता दें, और जो करेगा वो रहेगा, जो नहीं करेगा नहीं रहेगा, बदलाव होगा, बदलाव होगा, बनिया पे होगा। क्या नाम है आपका? बताओ ना जी, बताइए बताइए, कोई नहीं, क्यों भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? अरे विकास में पार्ट के अंदर जो विकास है 5 साल में, नल जल योजना पहुंचा, नल जल पहुंचा हुआ है वार्ड में, विकास तो बहुत हुआ, बहुत बगल में संतोली में रोड बना है, नाला बना है, मगर टोली में रोड बना है, आपके यहाँ क्या सब विकास हुआ? मेरे यहाँ की बात ही हम कर रहे हैं, मैं अपने यहाँ का ही क्षेत्र का बात। सर सर ये चीज़ बताया जाए कि यहाँ जो है नाली जी, गली गली हो रहा है, जी जी, नल जल आया हुआ है। चुनाव में क्या क्या मन बनाए हुए हैं? इस बार ऐसा है कि लोगों के बीच में जागरूकता फैली हुई है कि जो काम करेगा उसी को जिताएंगे, मतलब जो काम करेगा उसी को जिताएंगे, चार घर छोड़ के पूरा घर में लगा दीजिए, चार घर छोड़ दीजिए फिर पूरा नहीं। इससे तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन लोगों का झुकाव देख रहे हैं, इधर काम हुआ है, उधर बदलाव की ओर नजर ज्यादा दिया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्षद साहब के घर के बगल में है तो उस दबाव से बोल रहे हैं कि नहीं काम हुआ है। कोई भी नेता के अगल बगल वाला हमेशा उसका दुश्मन होता है, इसलिए दुश्मन होता है कि लोगों को लगता है कि ऐसा होता है, लेकिन खुल के बोलिए, अंदर में कुछ आपके अंदर में कुछ छिपा हुआ है, बात तो है नहीं, टोला मोहल्ला का बात है, लोग चाहेगा कि जो अच्छा किया उसी के प्रति झुकाव रहे। तो मेरा मानना है कि हमारे वार्ड कमिश्नर हुए पंडित वेद व्यास जी, ठीक ना, उनके रीजन में आप क्षेत्र में भ्रमण कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि काम हुआ कि नहीं, भ्रमण किए हैं, बहुत जगह कमी भी है, बहुत जगह, हाँ तो सारा सारा दायित्व तो एक ही बार में नहीं दे पाएगा, लेकिन इस बार झुकाव है पंडित वेद व्यास की तरफ है। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम हुआ संतोष कुमार सहनी। की नाम भेल अपन? ये अच्छा, ये 4 नंबर वार्ड में घर हुआ, कौन मोहल्ला में घर हुआ? वार्ड नंबर 4 मोहल्ला सहनी टोला। सहनी टोला, क्या सब इस 5 साल में विकास के नाम पर क्या क्या विकास में आपको आया मोहल्ला में? तो हुआ है, जैसे कुछ गिना दीजिए। रोड बना है, नाला बना है, सिलाब बना है, लेकिन ये तो मेन रोड में तो दिख रहा है कि पूरा नाली खुला हुआ है, सब पानी लग जाता है, पानी भी लगता है इस रोड में, तो इसका नाम विकास हुआ। अच्छा ये चीज़ आपके सहनी टोला में कुछ लोग ज़्यादा गरीब होंगे, क्या सब आदमी को इंदिरा आवास सब आवंटन हुआ? हुआ है कुछ का, कुछ का हुआ है, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के नाम पर? अब हमको तो उतना नहीं मालूम है, लेकिन काम तो हुआ है, काम हुआ है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। क्या मुद्दा रहेगा इस बार के इलेक्शन का? लोग तो अब प्रत्याशी सब तैयार होंगे, नॉमिनेशन होने वाला है 16 तारीख से, तो लोग तो खड़े होंगे कि हमको ही वोट दीजिए, लोग आ भी रहे होंगे, आपसे बात कर रहे होंगे, किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? बेरोजगारी बहुत है, रोड वोड थोड़ा सही हो जाता है, नाला वाला सब, जो आश्वासन देगा कि हम इस सब चीज़ को करवाएंगे। तो इस आपके ही मोहल्ले में ये जो सड़क को जो है दुर्घटना कर दिया है, कौन किया है? अरे ये जल नल योजना वाला जो आया घर घर पानी के लिए, उसको उसने खोला, जमीन को तोड़ा, हम लोग उसको बोले कि सर छोटा गली है, गांव में आने जाने में दिक्कत होगा, इसको कुछ आप लोग ठीक ठाक कीजिए, तो आपका जो नगर निगम का इंजीनियर वो भी साथ में था, बोला ये टेंडर इस ठेकेदार के पास नहीं है, दूसरे ठेकेदार के पास है, आप लोग का काम हो जाएगा,
अब उसको देखा जाए सर किस तरीके से आने जाने में बच्चे लोग गिरते हैं, बूढ़े औरत मर्द गिर जाते हैं, रोड में गंदा पानी लगा हुआ है, इसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो इसके वो ठेकेदार बोला कि ये काम मेरा नहीं है, ये इंजीनियर बोला है। हाँ, वो नगर निगम का इंजीनियर साथ में आया हुआ था कि ये काम नहीं, उनको हम लोग बोले कि सारे सीसी बात है, खोद करके छोड़ दिया। हाँ, बोले ये दूसरे टेंडर में पास है, वो दूसरा टेंडर आके इसको ठीक करके जाएगा। तो ये बताइए चुनाव आने वाला है, क्या माहौल है? कौन सर अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि अभी प्रत्याशी का नाम भी ओपन नहीं हो पाया है, जो पहले का है उसी को हम लोग जानते हैं, बगल में एक श्याम शर्मा है। अच्छा, किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं ये बता दीजिए। मुद्दा यही है कि हम लोग का जिस तरीके से नाला नहीं है, सड़क खराब है, यही सब मुद्दा है जो उसको देख के हम लोग वोट करने का इरादा किए हैं। इधर का भी नाम बोल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अंजार खान हुआ। सात वार्ड चार के पार्षद जी हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने 5 साल में क्या काम किया है और क्या काम रह गया है। जी सर, आप बता दीजिए कि आप अपने वार्ड में इस 5 सालों में क्या क्या काम करवाया है। हम अपने इस 5 साल के कार्यकाल में जनता की जो भी मतलब समस्या थी, भरसक कोशिश किए हैं कि सॉर्टअप हो और समस्या को दूर किए हैं। साथ में हमारी वार्ड की जल जमाव की विशेष समस्या था, जिसको हमने मतलब नाला बना के उस समस्या को दूर किए, जो आउटलेट हमारे वार्ड से नहीं था उस आउटलेट को किए, जिससे पानी हमारी वार्ड का निकल रहा। कुछ और आउटलेट बचा हुआ है जिसको हम प्रोसेस में लगा हुआ है, काम होगा, बहुत जल्दी होगा, लेकिन ये मेरी अगले कार्यक्रम में रहेगी कि वो काम होगा। हमने चाहा कि इसी कार्यकाल में हो जाएगा, लेकिन ये कोरोना और ये के कारण बहुत सारे काम बाधित हुई है। आपके ही वार्ड में जो है यह नीम पोखर है, उसके जस्ट सामने वाला जो है नाला कभी सफाई नहीं होता है, वो जाम रहता है, ऐसा क्यों? ऐसा तो नाला कोई हमको नज़र में नहीं आ रहा है कि नाला जाम है और साफ नहीं होता है, साफ होती है, है ना, लेकिन है क्या कि सिलाब से ढका हुआ है उसको गेंग के। वहाँ तो बहुत दूर दूर तक सिलाब भी नहीं है, उस नाला पे सिलाब भी नहीं। नीम पोखर पर तो ऐसा नहीं है, नीम पोखर के जस्ट सामने वाला रोड जो गली गई है उसमें तो सिलाब भी नहीं है। नहीं तो नहीं होगा तो उसमें है, लेकिन साफ होता है, लेबर जाता है। अच्छा, ये बताइए आप अपने वार्ड में कितने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाए हैं लोगों को? अभी तक तो हम अपने वार्ड में 37 प्रधानमंत्री आवास योजना दिलवाए हैं अपने वार्ड में, और सब प्रस्तावित है। 37, इसमें से तैयार कितना हो गया? तैयार लमसम हो गया है कंप्लीट 14-15 तैयार हो गया। 14-15 तैयार हो गया। अच्छा, नल जल की क्या समस्या है यहाँ पे? तो नल में पानी आता है? यहाँ तो नल में पानी नहीं आता है, सरकार की ये नल जल योजना बहुत फेल है ना, और ऐसे भी जहाँ भी लगा हुआ है रोड पर पानी बह रहा है, किसी के यहाँ जा नहीं रहा है। आपको 2 समरसेबल मिला है हर वार्ड को जी, वो कहाँ करवाया आपने? एक समरसेबल ये कालेगंज में गड़ा हुआ है, एक सहनी टोला में गड़ा हुआ है। क्या उसकी स्थिति क्या है? उसकी स्थिति वर्तमान में अभी सही है, उससे चल रहा है, लोग पानी पी रहे हैं। और ये बताइए कि सड़क पे जल जमाव की स्थिति जो है आपके वार्ड में निरंतर बना हुआ रहता है, चाहे बारिश थोड़ा भी हो या ज़्यादा भी हो, इसको लेकर आप कभी सोचे नहीं? जल जमाव की समस्या तो हमारे वार्ड में बहुत था ही, नहीं था सो बात नहीं है, लेकिन उसको हद तक हमने सॉर्ट ऑफ किया है। जो हमारे वार्ड में पूर्व से आउटलेट की व्यवस्था कहीं से नहीं थी, इन होती थी हमारे वार्ड में, लेकिन आउट का कहीं व्यवस्था नहीं था। जिस आउटलेट को मैंने परमेश्वर चौक से लेकर नैकी पोखर होते हुए सीधे रेलवे लाइन घूमती बवैया पोखर से लेकर, ये आउटलेट मेन आउटलेट है वार्ड का। आपके पीछे वाले गली में जहाँ पे मंदिर है, मंदिर के सामने वाले रोड में नाला ऊपर में बना हुआ है और रोड नीचे है, वहाँ जल जमाव का स्थिति? ये तो ये इंजीनियर का बात है, हमसे पहले वो नाला बना है, उसमें हम नहीं कुछ कर सकते हैं, है तो ना? वो बन गया, अगर वो बेकार हो गया, यूजलेस हो गया, तो आप भी तो उस पर सोच कर उसका कोई व्यवस्था करवा सकते थे? उसकी व्यवस्था हमने अभी करवा दिया है, है ना, मतलब हो गया सारा चीज़, एस्टिमेट बन गया है, टेंडर वर्क में मतलब वो था, अब आचार संहिता लग गया जिसके कारण वो गंगा महतो के घर से लेकर ये बजरंग बली मंदिर तक रोड की ऊंचीकरण, जो अभी गंगा महतो के पास ऊंचीकरण करवाए हैं,
उसके बाद जो बचा हुआ है, जो अभी भोला मंदिर के पास डॉन है, हल्का पानी लगा हुआ है, ये बारिश वाली पानी लगी हुई है, और उसी को ऊंचा कर दिया जाएगा। उन नाला के मुताबिक जो हाइट नाला हो चुका है उस मुताबिक में रोड बनाया दिया जाएगा। आपसे एक सीधा सवाल किया जाए कि आखिर आप जनता यहाँ की आप वोट क्यों दे, इसके लेकर क्या सब विचार? जनता इसीलिए वोट देगी कि अगर हम काम किए हैं तो उसका मेहनताना देंगे। ये हमारी विश्वास है कि हमने काम किया है तो हमको जनता वोट देगी। अच्छा सर, ये एक बात है कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन नहीं हो पाता है, लोगों का ऑब्जेक्शन है ये कि कचरा लिया नहीं जाता जी। ये सर मतलब निगम की लापरवाही कहिए या जो भी कहिए, हम लोग बोर्ड में मतलब ये आवाज़ हमेशा उठाए हैं। बोर्ड के ही मेंबर जो इसके थे उनसे पूछा गया सवाल कि डोर टू डोर कचरा क्यों नहीं उठता है और आप 360 रुपया आप लेते हैं सालाना, तो उन्होंने बताया हम लोग को, हम लोग ने स्पष्टीकरण पूछे उनसे बैठक में, तो बोला कि 40% ही वार्ड की साफ सफाई हो रही है, तो 40% हो रहा है तो 100% का कचरा यूजर ले रहा है, निगम ले रही है, तो निगम ले रही। तो उसी समय हम लोग ने बोला कि जब तक आप 100% कचरा हर एक घर से उठ नहीं जाएगा तब तक हमारे जनता आपको टैक्स नहीं देगी कचरा यूजर के, ये प्रस्ताव चला गया। तो आपने टैक्स लेकिन अभी उसके बाद तो मतलब भंग ही हो गया, तो उसके लिए नहीं।